मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी। इन मौतों को वैसे पर्दा उठना आवश्यक है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता थी उसके आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं भी नहीं टिकते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन पर आयोजित पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच खींचतान चल ही रही है। इस बीच बीजेपी के एक और बड़े नेता ने पराक्रम दिखा दिया है और ये पराक्रम ऐसा है कि शायद पीएम मोदी उस नेता को कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि बोस की लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू कहीं नहीं ठहरते थे। महात्मा गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि नेताजी की लोकप्रियता के आगे वो कहीं टिकते भी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल ही उलट है। ये बात इतिहास में दर्ज है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में हुई एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। खुद मोदी सरकार ने साल 2017 में सूचना के अधिकार कानून के तहत इस बात की पुष्टि की थी। इसमें गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा गया था कि 1956 में बनी शाहनवाज कमेटी, 1970 में बने खोसला जांच आयोग और 2005 में बने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद मोदी सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी। रही बात साक्षी महाराज की, तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कही देते हैं कि खुद बीजेपी और पीएम मोदी के लिए उसका जवाब देना भारी पड़ जाता है, लेकिन वो साक्षी महाराज हैं। अभी हाल ही में उन्होंने AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी तारीफ की थी कि बीजेपी को जवाब देते ही नहीं बन रहा था। उन्होंने कहा था कि खुदा ओवैसी को यूपी में ताकत दे। उन्होंने बिहार में भाजपा की मदद की और उत्तर प्रदेश में करने आए हैं, इसके बाद वो बंगाल में भी बीजेपी की मदद करेंगे। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अब कुछ विपक्षी दल तो हमेशा से ही AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहते रहे थे। साक्षी महाराज के बयान ने इन आरोपों को और बल दे दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि साक्षी महाराज के यही दो विवादित बयान हैं। आबादी के अनुपात में श्मशान और कब्रिस्तान बनाने की बात हो या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की बात या फिर रेप के आरोपी विधायक से जेल में जाकर मुलाकात करने की, साक्षी महाराज हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं कि उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता ठीक से उनका बचाव तक नहीं कर पाते हैं और उनके बयानों को उनका व्यक्तिगत बयान बताकर पार्टी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हालांकि महात्मा गांधी पर दिए गए एक ऐसे ही विवादित बयान पर पीएम मोदी ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के लिए कहा था कि वो उन्हें मन से माफ नहीं कर पाएंगे। अब साक्षी महाराज भी लगातार ऐसे ही बयान दे रहे हैं तो शायद पीएम मोदी साक्षी महाराज को भी मन से माफ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज भाई साहब। खैर, शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।